धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक देवी है जिसका शुक्रवार का व्रत किया जाता है। संतोषी माता के पिता का नाम गणेश और माता का नाम रिद्धि सिद्धि है। तो वहीं आप सभी को बता देगी, संतोषी माता के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मूंगा रत्नों से भरा परिवार था, इसलिए उनकी प्रसन्नता परिवार में सुख शांति तथा मनोकामनाओं की पूर्ति कर शोक विपत्ति चिंता परेशानियों को दूर कर देती है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। तो वहीं नहाने के बाद घर में किसी भी सुंदर और पवित्र जगह पर माता संतोषी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। ऐसे में बता दें आप सभी को कि माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भर कर रख लें और इसी के साथ कलश के ऊपर एक कटोरा भर कर गुड़ व चना रख लें। इसी के साथ माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और तो और इसी के साथ माता को अक्षत फूल सुगंधित गंध नारियल लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। बता दें कि यहाँ पे माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाया जाता है और संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा आरंभ किया करते हैं। इस व्रत को करने वाला कथा कहता है वह सुनते समय हाथ में गुड़ व चना यानी भुना हुआ चना रखे रहता है। कथा की समाप्ति के खत्म होने के बाद श्रद्धा पूर्वक सपरिवार आरती करें। वहीं कथा व आरती के पश्चात हाथ का गुड़ व चना गौमाता को खिलाएं तथा कलश पे रखा हुआ गुड़ चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें और इसी के साथ कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव करें और बचा हुआ जल तुलसी के क्यारियों में डाल दें। इसी के साथ इस विधि के साथ श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर 16 शुक्रवार तक नियमित उपवास रखें। शीघ्र विवाह कामना व्यवसाय व शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए महिला व पुरुष दोनों की एक समान यह व्रत धारण कर सकते हैं। वहीं इस व्रत को करने के लिए कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती है। इस दिन ना तो खट्टी वस्तुएं खाएं और ना ही सर्प रिपीट इस दिन ना तो खट्टी चीजें खाएं और ना ही साबुन का इस्तेमाल करें। इस दिन केवल व्रतधारी के लिए ही नहीं बल्कि अपितु परिवार के हर एक सदस्य के लिए खट्टी वस्तु वर्जित होनी चाहिए, इसलिए घर में खट्टी वस्तु बननी ही नहीं चाहिए। वहीं खट्टी वस्तु का यहाँ तक कि प्रयोग वर्जित माना गया है कि पूजा व घर में खट्टे फलों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं परिवार में ही नहीं अपितु किसी बाहरी व्यक्ति को भी इस दिन खट्टी वस्तु नहीं देना चाहिए, इससे पूजा का गलत असर पड़ता है। ऐसे में माता संतोषी को यूं तो खुश करना बहुत ही यहाँ पे आसान है, लेकिन 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 अगर इन छोटी छोटी नियमों को ना पालन किया जाए तो उसका दुष्परिणाम भी भोगने को मिलता है। तो ऐसे में इस दिन ना किसी को चोट पहुँचाए अपने शब्दों से और ना ही अपने हाथों पैरों से, इसलिए इस सब चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए।